जिस जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भाई आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं, एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट। इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है ग्लोबल साउथ का लीडर होने के साथ, साउथ अफ्रीका का हेड बनने के बाद, अब गल्फ कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा जो है डोमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नजर आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। और वो कह रहा है कि इंडियन रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया। सो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो है वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में, और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है जी। सो इसको डू नॉट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इंडिया आप सबकी माँ बनने वाला है, इंडिया माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए माँ जो होती है प्यार से समझाती है, और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं कि माँ हमारी, हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने भारतीय डायस्पोरा से भी बातचीत की, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में लाखों की तादाद में भारतीय भाई वहां पे रहते हैं, कमाते हैं, कुछ लोग परमानेंट भी वहां पे रहते हैं। और वहां पे जयशंकर साहब ने संबोधित करते हुए, दुनिया के लगभग 65 रिप्रेजेंटेटिव भी थे वहां पे, एक जयशंकर साहब ने बड़ी बात की जो कि वॉशिंगटन पोस्ट से लेके इस्लामाबाद टाइम्स और पाकिस्तान में, भारत में, हर जगह चर्चे में। जयशंकर साहब ने कहा कि 125 देशों के साथ भारत की सहमति बनी है कि भारत उन सबको लीड करेगा। छोटे बड़े देश हैं ये, साउथ एशिया के देश हैं और अफ्रीका के देश हैं। 125 देश अभी तक भारत की लीडरशिप को स्वीकार करते हैं कि भारत उनके लिए कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि दुनिया जहां रूस से तेल गैस ये सब नहीं खरीद पा रही है, वहीं भारत रूस से तेल गैस खरीद के इन तमाम देशों को सस्ते में गैस और तेल प्रोवाइड करवा रहा है। वरना तो ये 125 देश महंगे में तेल खरीदेंगे, भारत रूस से सस्ते में खरीद के इनको भी सस्ते में बेच रहा है। और भी ऐसी कमोडिटीज है जो इन सभी देशों को भारत उपलब्ध करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भारत के लीडरशिप को क्यों ना एक्सेप्ट करें। इसमें मुस्लिम देश भी है, GCC के ममालिक भी है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। जिस जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है, वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भाई आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं, एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट। इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, और वो कह रहा है कि इंडियन रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया। सो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो है वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में, और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है जी। सो इसको डू नॉट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आज इंडियंस जो बाहर बैठे हुए हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, याद रखें ये सारे के सारे इंडियंस जो हैं, दे आर एन एसेट, स्ट्रॉन्ग एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का। अभी मैं कौन सी जगह देख रहा था, देर वॉज अ सम स्मॉल प्लेस जहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी साहब गए हुए थे कुछ अर्सा पहले, जस्ट नॉट लॉन्ग अगो, कुछ अर्सा पहले, छोटी सी मुल्क था वो, और वहाँ पे भी लोग जो थे वो आए हुए थे। सो इंडिया जो है ना वो अपने पूरे पत्ते दिखा रहा है। इंडिया कह रहा है कि जी मिसाल के तौर पे ब्रिज द गैप, ब्रिज द गैप मुराद ये है कि सारी ग्रेट पार्ट्स फेल हो गई हैं। अब इंडियंस ने कहा है कि अगर हमें रशिया से LNG मिलेगी और अगर कीमत ठीक हुई तो हम ले लेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है।
इंडिया तमाम दुनिया के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, रशिया के साथ एनर्जी पे कोऑपरेट करने को तैयार है, ठीक है ना जी। तो ये इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। और वो इंडियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है ना, ये नॉन आइडियोलॉजिकल है, नॉन पॉलिटिकल सिचुएशन है। मतलब ये वो कह रहे हैं कि डोंट ग्रैब अस इन एन आइडियोलॉजिकल बैटल और पॉलिटिकल बैटल। सो इन्वेस्टिंग इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इज नॉन आइडियोलॉजिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। सो हम अपनी मर्जी करेंगे बिकॉज यू आर फेलिंग, आप नाकाम हो रहे हैं। अब देखें, जब जयशंकर ये कह रहे हैं ना वी नीड टू ब्रिज द गैप, इट मीन्स आप नाकाम हो गए हैं भाई साहब, फेल हो गए हैं आप नाकाम हो गए हैं, ठीक है जी। ये चीज उन्होंने जो है वो कही है कि आप बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। सो जयशंकर साहब का जो एड्रेस है वो अभी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी किया है वहां पे, ठीक है, वो इसीलिए किया है ये सारी चीजें के लोगों को बताने में कि मैं ऑस्ट्रेलियन, इससे पहले कि ऑस्ट, देखिए ये भी एक बड़ी स्ट्रेटजी होती है, द मोमेंट यू मीट द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बिफोर दैट यू कनेक्ट विद द ऑस्ट्रेलियन द इंडियन डायस्पोरा, उससे क्या होगा, वहां पे इनको पता चल जाएगा भाई इतनी बड़ी तादाद में जो इंडियंस यहाँ बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। सो ये आप ऑस्ट्रेलिया इंडियंस की पोजीशन चेक करें। और मैं थोड़ा जो स्टडी कर रहा हूँ कि एक तरफ वो कह रहे हैं हम तेल भी लेंगे, दूसरी तरफ वो अमेरिका को झाड़ पे ला रहे हैं कि भाई तुमने क्या किया है मुझे बताओ, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन पीस बिल्डिंग मिडल ईस्ट में, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है आप लोगों, आपने साइड लेके 45,000 बंदा मरवा दिया, ये वो डॉक्टर शेखर कह रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं कि हम जो अब चाइना जो है वो लीडरशिप को गैप को फिल कर रहा है, तो जो अमेरिका का फेलियर है हम उसको फिल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अमेरिका के फेलियर को वो कह रहे हैं कि हम गैप ब्रिज करेंगे की तरफ, यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नजर आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है, अगर कोई मुल्क इस रीजन का, चले हम दुनिया को नहीं कहते, हम कहते हैं कम से कम ये जो कंट्रीज़ हैं वो अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं, तो क्या उनको ये केस स्टडी नहीं करनी चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नज़र आ रही है, यानी दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया, और जीडीपी ग्रोथ और ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें, तो पूरी दुनिया में वो डिस्कस होता रहता है, लोग उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं, पता चला हमें जनाब के दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन बंदा है वो भी वहाँ से बन गया। चलें ये तो मैं बिल्कुल एक आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसकी तो बेस तो यही है ना कि उनकी इकोनॉमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास, ये हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है, तो ये कैसे हुआ, मतलब उनके पास ऐसी क्या चीज़ है, और क्या उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिस बिना पर उन्होंने ये ताकत हासिल की है, क्या उन्होंने अपनी जनरेशन्स की तरबियत ऐसी की है, क्या उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी का जो बनाया पूरा प्लान वो बड़ा कमाल का बनाया है कि उसमें तो वो ऊपर जड़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों भारत तो चाहता है कि पूरी दुनिया का कल्याण हो, और पूरी दुनिया के कल्याण में ही भारत के लिए भी कल्याण अपने आप निकल आएगा, ये भारत की सोच आज से नहीं है, मेरे ख्याल से भारत के पुराने से पुराने आप हजारों साल पहले लाखों साल पहले महाभारत और रामायण की सोच देखें तो वो भी यही है कि पहले दूसरों का कल्याण तब अपना कल्याण। भारत भी कहीं ना कहीं, ये भारत की कमजोरी कह लें या ताकत कह लें, भारत अभी भी उसी नीति पे काम करता है।
आप देखें हमारे पड़ोसी एक से बढ़के एक, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये भारत को उल्टा सीधा समय समय पे कहते रहे, लेकिन फिर भी भारत ने इनको इनके साथ सिर्फ और सिर्फ भलाई ही की। अभी नेपाल ने कल भारत के एक माउंटेन को अपने नोट पे छाप दिया। मैं नेपाली भाई को मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ, नेपाल के भाई भारत से बहुत मोहब्बत भी करते हैं, नेपाल और भारत भाई बहन की जोड़ी है, लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट आप देखिए कि भारत के हिस्से को अपने नोट पे छाप दिया। अब पूरे का पूरा नेपाल को ही अगर भारत अपने किसी चीज पे दिखाने लगे तो क्या नेपाल कुछ कर लेगा भारत का? ये नहीं कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत इतना शांत देश है कि नेपाल के किसी हिस्से को कभी अपनी टेरिटरी भारत ने बोला ही नहीं, लेकिन नेपाल अब उकसा रहा है भारत को। तो ये हमारी कमजोरी कह लीजिए या हमारी भलाई कह लीजिए कि हम किसी को कुछ बोलते नहीं, वरना एक समय था भारत पूरे नक्शे पे शामिल कर लेता यार नेपाल भूटान को, कोई कुछ नहीं कर पाता। वरना ये तो भारत की भलाई है कि हम यार किसी को अननेसेसरी परेशान करते ही नहीं है यार, कितना भी मजबूत ताकतवर भारत हो जाए, लेकिन छोटे से छोटे देश को, कमजोर से कमजोर देश को बराबर का दर्जा देता है। ठीक है, ये भारत की कमजोरी अब ताकत है, ये आप ही कॉमेंट करें।